अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सब अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। अभी 11 बज रहे हैं। मैं चाय बिस्कुट लेकर बैठी हूँ। चाय बिस्कुट खाओ फिर काम पे लगो। काम बोले तो बिस्तर उठा लिए, खिड़की दरवाजा सब खोल दी। जाते मेरे को खुला हवा है, थोड़ा फ्रेश हवा है, अच्छा लगे। अभी खाली खाना बनाने का, नहाने का, बाकी काम में झाड़ू पोछा ये सब भी है तो करने का। और घर पे कोई नहीं है, कल लड़की था घर पे, मुझे नहीं है, ड्यूटी है, लड़का भी स्कूल गया। कल लड़की शाम को गया ड्यूटी तो बहुत बात सुनाया उसको, सर तो सर बाकी लड़की स्टाफ लोग भी, बाकी स्टाफ लोग भी उसको बहुत बात सुनाया। अरे सुनते रहते क्या करेंगे, मजबूरी है। मैं बोली अभी अगले साल बारी का एग्ज़ाम देने के लिए, उसको बोल दी अगले साल तू काम का साथ साथ पढ़ाई भी करने का और बारी का एग्ज़ाम देने का, क्योंकि 12वीं का एग्ज़ाम दे देंगे ना तो 12वीं में अगर पास हो गए ना तो उसको किधर भी अच्छा नौकरी मिल जाएगा, अच्छा जॉब किधर भी मिल जाएगा। फिर इन लोग को पता चलेगा, सब काम इसको दे के करा लेता है ना और फिर इसको ही सुनाता है, तब कौन करता है देखेंगे। 3 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, कभी कभी 1 घंटा रुको, फिर इधर का सामान लेके आओ, लेके जाओ, फिर इतना बात सुनाना। कल उसका पेट दुख रहा था, बोल के नहीं जा पाया था, बहुत सुनाया उसको, ऐसा है वैसा है, मंडे को छुट्टी नहीं लेने का, लिया तो 2 दिन का ये करेंगे। सर बोला ठीक है, चलो मान सकते, सर बोला तो बोला, सर बोल सकते हैं, उनका हक है वो बोल सकते, बाकी स्टाफ लोग का तो हक नहीं है बोलने का। उन लोग भी भड़क रहे उसके ऊपर, 13 बजे से सब होता है ऐसा ऐसा। वो आके मेरे को बोल रहा है, मैंने बोली रुक मैं तेरा सर से बात कर, उसका सर से बात करेंगे। फिर उसका इधर ना निशान है गले में, इधर काटेला निशान है, वो पैदा सी निशान है, पेट से ही हो ऐसा, इधर गले का इधर काटेला निशान है, जैसा लगता है कोई बुलेट मार दिया ऐसा निशान है इधर। तो वो लेके भी बहुत गंदा गंदा कमेंट आ रहा है उसको, मतलब उसका इसमें नहीं ना मेरा इसमें, स्टाफ लोग गंदा गंदा कमेंट कर रहा है, स्टाफ लोग गंदा गंदा बात कर रहा है वो लेके। और जब वो इतना सफाई दे रहा है, इतना बोल रहा है, फिर भी उसका बिजनेस नहीं कर रहा है उन लोग, उसको हैरेसमेंट करा जा रहा है। एक तरफ से बोला जाए तो हैरेसमेंट हो रहा है, दोनों तरफ से उसको हैरेसमेंट करा जा रहा है। दिन में उधर जाता है, उधर भी हैरेसमेंट होता है, रात को इधर जाता है, शाम को इधर भी हैरेसमेंट होता है, वही चीज़ लेके। उसका कितना प्रॉब्लम है उन लोग को क्या पता, उसका जितना प्रॉब्लम इधर से इधर तक है, होठ, आँखी, नाक, कान, सिर, गले का इधर निशान, ये सब नहीं दिखाई देते उन लोग को। गंदा गंदा कमेंट, तू किसी और का साथ गई, उसने काट दिया, ऐसा किया, तेरा बॉयफ्रेंड ने काट दिया, ऐसा किया, इतना गंदा गंदा। मैं तो सोच रही हूँ एक दिन जाके बोलेंगे सबको, जैसा उसको गंदा गंदा कमेंट मत करा करो, क्योंकि वो लड़की जाते है उसको बुरा लगता है,
जब उसका कोई नहीं है ज़िंदगी में तो उसको ये सब बोलने का तो कोई हक ही नहीं है, सवाल जवाब करने का कोई ये ही नहीं है। वो कब पैर करता है, वो तो जाता है सुबह उधर काम पे, उधर जाता है काम पे 10 बजे, आता है 2:30 बजे उधर से, निकलता है 2:30 बजे उधर से। जैसे ही निकलेगा मेरे को फ़ोन करेंगे, मम्मी मैं निकल गई। फिर ऑटो के लिए रुकना पड़ता है, ऑटो में ऑटो मिलेगा तो बैठ के रुकना पड़ता है, क्योंकि बाकी पैसेंजर होंगे तब ऑटो छोड़ेंगे। फिर आती है, फिर आके नहाना धाना खाना पीना खाना सोना, 6 बज जाता है। फिर इधर जाता है, इधर 10:30 बजे निकलता है। इधर निकलने का पहले ही लैब से ही फ़ोन कर देता, मम्मी मैं छूट गई, मैं आ रही कुछ लाने का क्या, तो इधर से इधर आ जाता है, नहीं बोलेंगे तो आ जाता है। तो इन लोग को समझता नहीं, बोलने का काम बोल दो, किसको क्या होता है क्या नहीं वो सब नहीं पूरे करने का। देख लूँ उसको, बोली मैं, बोला हाँ मम्मी मैं फेब्रुअरी में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। अभी देता था, लेकिन ना उसका ना हॉल टिकट ना जो सेकंड वार्ड का हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, पहला का हॉल टिकट है, लेकिन उन लोग बोलते हैं नहीं सेकंड हॉल टिकट लाओ, सेकंड हॉल टिकट नहीं मिल रहा। अभी देखना पड़ेगा, बाहर से देंगे तो फिर यह करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। पहला दिए थे उसमें तो रिजल्ट आया ही नहीं, मिला भी नहीं रिजल्ट, कॉलेज में गया 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 मिला ही नहीं यार रिजल्ट वो वाला। तो अभी फिर से गया तो बोलता है सेकंड भर दो, तो 1-1.5 महीने में पढ़ाई नहीं होता है ना एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसके लिए बोला अभी नहीं फेब्रुअरी का देंगे, अभी भी 500 रुपये भरो ये फेब्रुअरी में दो तभी भी भरो, अभी भरेंगे तो फिर रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं, और फेब्रुअरी में भरेंगे तो मिल सकते हैं वो गारंटी है, क्योंकि तभी फाइनल एग्ज़ाम का साथ देना पड़ेगा तो तब भी देंगे बोला। बोला तभी में देंगे पेपर, तो ये तो चले चाय पी लूँ फिर काम पे लगूँ, पानी आएंगे फिर पानी भरने का, बर्तन उर्तन सब निकल दी। चलेगा इस बारने वाले मच्छी की मुंडी डाल के डाल, मच्छी की मुंडी है उस दिन नहीं क्या कतला फिश लाई थी उसकी मुंडी है, देखे सब मच्छी भी है, देखे सब मच्छी है, ये सब मच्छी है, ये भी ये डाल के दाल बनेगा, जिसमें जाएगा कांदा अदरक लहसुन हरा मिर्ची जीरा टमाटर पीसने का, इधर हल्दी नमक मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर ले ली, और इधर मेरा मूंग की दाल बॉईल किया हुआ भूंज के बॉईल करके रखी है, हल्दी नमक डाल के इसको बॉईल करके रखी, और इधर तेल बटा दी, मैं मच्छी को हल्दी नमक लगा लूँ लेके, फिर मच्छी को फ्राई बटा के मैं मसाला पीस लूँ। चलो तेल अच्छे से गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है, एक बंगाली रेसिपी है ये जो दाल है ना मूंग की दाल मच्छी की मुंडी डाल के, एक बंगाली रेसिपी है। सब डाल देंगे ठीक है, हो जाएगा। अभी मैं मसाला पीस के लिए फटा चले जीरा पीस पत्ता तेल के ऊपर डाल दी, और मेरा पानी आ गया, पीने का पानी आ पिया है तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। कांदा फ्राई करके लिए चले, वैसे मेरा कांदा लाल हो गया, मसाला पीस के रखी थी वो डाल दी, पाउडर मसाला डाल, पाउडर मसाला चलेगा।
सारा काम करते 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 मसाला भी भून के हो गए। इसमें डाल देंगे मूंगी, थोड़ा मूंगी को तोड़ लो, तोड़ लेंगे ना तब अच्छा रहेगा। चलिए इसको पूरा चूरा ऐसा तोड़ दी, तोड़ देंगे ना तो पूरा डाल दें, इसकी फ्लेवर आ जाएगा पूरा टेस्ट मच्छी की, ज़्यादा नहीं थोड़ी। अब डाल देंगे मूंग की दाल, पानी डालेंगे बाद में, इसमें बाकी सब जो जो डालने का वो डालेंगे, जैसा गरम मसाला कोतम्बीर वो सब बाद में डालेंगे। ये पातेली में पानी डाल के इसमें डाल देंगे, ये एक बंगाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगता है वाला खाना। अब ये होकर है, फिर इसमें बाद में कोतम्बीर और गरम मसाला डाल देंगे तो हो जाएगा। चलिए ये लास्ट ये काट के एकदम फ्रेश होके आ जाओ नहा धो के। चलिए सभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सी शक्कर, शक्कर डालने से कैसा इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है। मसाला वसला सब बैलेंस हो जाएगा और खाने में उतना ही टेस्ट लगेगा। जाएगा गरम मसाला थोड़ा सी, कोतमी डालने का, लेकिन कोतमी ना मेरा लड़का लेके आएंगे तो स्कूल से आने का टाइम बोली ले क्या फेस कोतमी, कोतमी नहीं है घर पे। मैं कल के ही नहीं मार्केट, मेरा कमर की दर्द का, चले अब वो लेके आएंगे फिर कोतमी डालेंगे। चलिए इसको ढक दूँ नहीं तो गरम मसाला की खुशबू उड़ जाएगा। और मेरा ये हो गया ढक, गैस बंद कर दी और ऐसा रखिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा पूरा, थोड़ा पतला ही रखिए क्योंकि सबको खाने का कम गिर जाता है, बहुत टेस्टी बनता है ना इसके। चलिए मेरा सब काम हो गया, एकदम नहा धा के फ्रेश होके आ गई मैं, पूरी खाना भी बन गया, सब हो गया, सब काम हो गया। अभी के लिए अभी लड़का आएंगे फिर उसको खाना देने का, वो लड़का कोतम्बी लेके फिर दाल में कोतम्बी डालने का और उसको खाना देने का, ये सब फिर शाम को मार्केट जाने का, मतलब भाजी मार्केट भी जाने का, किराना शॉप में भी जाने का, किराना का सामान लाने का। जैसा हस्बैंड का ग्रीन टी ख़त्म हो गया आज, दो तीन दिन हो गया
कल परसों ही ये हो गया था, कल ही तो आज जाना पड़ेगा ग्रीन टी लाने का, सब कर कर बाकी क्या क्या देख के लेके आना का, बिस्किट उस्किट ये सब, पानी लेके आके बैठी मैं। पूरी काम की एक गिलास में जो पानी पीती हूँ ये सब भी धोई अच्छे से, रगड़ रगड़ के खाना बनाई, खाने का बर्तन उर्तन सब धो ली, खाना बनाने का बर्तन सब धो धा के एक बार में सब करके रख के नहा धा के फेस होके आ गए। अभी थोड़ा सी बैठो, फिर लड़का है उसको खाना दूँ, वो खाना खा के ट्यूशन जाएंगे, उसके बाद मैं खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सी लेटेंगे, फिर 7 बजे जाएंगे मार्केट, ऐसा करेंगे। अभी जाती थी अगर जल्दी सब हो जाता था ना तो मैं 12 बजे ही निकल के चली जाती थी, तो 1:45 बजे तक आ जाती थी, लेकिन हुआ ही अभी सब काम, तो अभी जाके कुछ फ़ायदा नहीं। अभी कितना बजे रहे हैं, 12:34 हो गया, 5 होते यार, तो अभी जाके कुछ फ़ायदा नहीं। अब भी लड़का आ जाएंगे 15 मिनट में, तो इसके लिए नहीं, तो इसके लिए बोली जान लो शाम को ही जाएंगे, उसको ही लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे तो मेरा दिमाग बहुत खा लेगा, तुम मेरे को क्यों छोड़ के चला गया, क्यों नहीं लेके गया, ऐसा ऐसा करेंगे, उससे अच्छा उसको लेके जाएंगे एक बार में। तो ये तो चले थोड़ा बैठूँ फिर मिल लूँ। चलिए गाइस, मेरा लड़का आ गया घर पे, और वो कोतुम्बीर मंगाई थी उससे, कोतुम्बीर भी लेके आ गया, तो दाल में कोतुम्बीर डाल दी एकदम फ्रेश कोतुम्बीर डाल दी, और लड़का को खाना भी दे दी, वो बोला मैं रोटी और ढाक दूँ, कोतुम्बीर डाली उसको, डाल दे दी, डाल खाएगा रोटी, और ये हस्बैंड को करेला बटाटा फ्राई दी थी, इतना सी बचा ये मैं खा लेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कांदा वाला करेला बटाटा फ्राई, ये लो तुम्हारा डाल। चलिए लड़का कोतुम्बी लेके आया, कोतुम्बी काटी साफ की, धोई धाई काट के डाल दी, धो धा के काट कूट के कोतुम्बी डाल दी, लड़का को खाना दे दी, लड़का बोला मेरे को डाल दो मैं रोटी खा लेंगे, उसको डाल रोटी को खा लेंगे मैं बाद में खाएंगे, अभी कोतुम्बी डाल के उसको ढक के रख दी, और वो आने के टाइम लेके आया एकदम फ्रेश अच्छा कोतुम्बी लेके आया। शाम तक ना कोतुम्बी बिक जाता है, जिससे हम लोग भाजी उजी लेते हैं ना उसका शाम तक सब बिक जाता है, क्या हुआ शाम तक भाजी उसका ये कोतुम्बी बिक जाता है, इसके लिए मैं बोली अभी लेके आ, मेरे को चाहिए भी था, उधर से लो ना बहुत ज़्यादा देता है कोतुम्बी 10 रुपये का, और इधर से लो तो थोड़ा कम देता है कोतुम्बी, बहुत कम देता है, इसके लिए उधर से ही लेके आए, हो गया तो चले मिली, उसको खाना दे दी, वो खाना खाए लेगा, इसमें खाना ले ली, ये करेला बटाटा फ्राई कांदा डाल के फ्राई की थी, ये बहुत टेस्टी बन थी, और ये मेरा दाल मच्छी का मुंडी डाल के बहुत टेस्टी बना है, मैं थोड़ा सा चख के देखी, लड़का छोड़ दिया था तो मैं वो खा के देखी, बहुत टेस्टी बना, तो लड़का को ली दे दे, खा ली थी मैं, ये दाल बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए मैं खाना खा ली फिर मिल ली। चलिए गाइस, मैं सब किराना का सामान लेके आ गई, क्या क्या लेके आई देखिए, ये लेके आई भक्कड़ बड़ी, बहुत पसंद है मेरे को पाले जी, अक्खा मुँह मसूर हाथी तेल राय का प्योर तेल, लड़का के लिए हॉर्लिक्स एक कॉम्प्लान पाले मेरे बिस्किट, क्या हो रुक जा, खजूर हस्बैंड के लिए काला खजूर, हस्बैंड को काला खजूर बहुत पसंद है काला खजूर, गुड नाइट का ऑयल, मटकी बटर लड़की के लिए, और बटना मेरा गोली डायबिटीज़ की कॉपी, इसका साथ फ्री दिया, इसका साथ कॉपी फ्री,
खसखस, राई की लराई, नमक, फिनाइल, उजाला बर्तन धोने का साबुन, ये जेल बर्तन धोने का तेल, दूधी, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर, बटाना, फलर, भिंडी, करेला, बटाना, शैम्पू, मेरी सीसा शैम्पू, सीसा शैम्पू, इलायची, काला मिर्च पाउडर, बटाना वटर, एक अरे लाल डायगर, सौ का चार मिला, छोटा छोटा है बोल के सौ का चार दिया, लाल डायगर बहुत मीठा है, लाल डायगर सौ का चार लेते बस। ये आज का किराना का सामान देख लीजिए, पूरा ग्रोसरी का सामान सब आ गया, इसमें कुछ बचा नहीं है, देख लीजिए चलिए।